ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल गतिशक्ति योजना के लॉन्चिंग प्रोग्राम के दौरान संबोधित कर रहे हैं। हमने 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है, कहां 19 और कहां 7000। 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ था। बीते 7 वर्षों में हमने 24000 किलोमीटर से भी अधिक रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया, कहां 3000 कहां 24000। 2014 के पहले लगभग 250 किलोमीटर ट्रैक पर ही मेट्रो चल रही थी, आज 700 किलोमीटर तक मेट्रो का विस्तार हो चुका है और 1000 किलोमीटर नए मेट्रो रूट पर काम चल रहा है। 2014 के पहले 5 सालों में सिर्फ 60 पंचायतों को ही 60 पंचायतों को ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सका था। बीते 7 वर्षों में हमने 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्टिविटी के पारंपरिक माध्यमों के विस्तार के साथ साथ इनलैंड वाटरवेज और सी प्लेन्स नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश को मिल रहा है। 2024 तक देश में सिर्फ 5 वाटरवे थे, आज देश में 13 वाटरवे काम कर रहे हैं। 2014 से पहले हमारे पोर्ट्स पर वेसल टर्न अराउंड टाइम 41 घंटे से भी ज्यादा था, अब ये घटकर 27 घंटे रह गया है। इसे और कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी के अलावा जरूरी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को भी नई रफ्तार दी गई है। बिजली की प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसमिशन के पूरे नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म किया गया है। वन नेशन वन पावर ग्रिड का संकल्प सिद्ध हो चुका है। 2014 तक देश में जहां 3 लाख सर्किट किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स थी, वहीं आज ये बढ़कर 4.25 लाख सर्किट किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में जहां हम बहुत ही मार्जिनल प्लेयर थे, वहीं आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच चुके हैं। 2014 के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से करीब करीब 3 गुना कैपेसिटी यानी 100 गीगावाट से ज्यादा भारत हासिल कर चुका है। साथियों, आज देश में एविएशन का आधुनिक इकोसिस्टम विकसित करने पर तेजी से काम हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देश में नए एयरपोर्ट्स के निर्माण के साथ ही हमने एयर स्पेस को भी और ज्यादा खोल दिया है। बीते 1-2 वर्षों में ही 100 से ज्यादा एयर रूट्स की समीक्षा कर रहे हैं, उनकी दूरी घटाई गई है। जिन क्षेत्रों के ऊपर से पैसेंजर फ्लाइट्स के उड़ने पर पाबंदी थी, उसे भी हटाया गया है। इस एक फैसले से बहुत से शहरों के बीच एयर टाइम कम हुआ है, उड़ान का समय कम हुआ है। एविएशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए नई एमआरओ पॉलिसी बनाना है, जिस जीएसटी काम पूरा करना हो, पायलट्स की ट्रेनिंग की बात हो, इन सभी पर काम किया गया है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों से
देश को विश्वास हुआ है कि हम तेज गति से काम कर सकते हैं, बड़े लक्ष्य बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। अब देश की अपेक्षा और आकांक्षा दोनों बढ़ गई है, इसलिए आने वाले 3-4 वर्षों के लिए हमारे संकल्प भी बहुत बड़े हो गए हैं। अब देश का लक्ष्य है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम से कम करना, रेलवे की कार्गो क्षमता बढ़ाना, पोर्ट कार्गो कैपेसिटी बढ़ाना, टर्न अराउंड टाइम को कम करना। आने वाले 4-5 साल में देश में कुल मिलाकर 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्रॉम बनकर तैयार होने जा रहे हैं। अभी जो 19,000 किलोमीटर के करीब का हमारा गैस पाइपलाइन नेटवर्क है उसे भी बढ़ाकर लगभग 2 गुना किया जाएगा। साथियों, देश के किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। 2014 में देश में सिर्फ 2 मेगा फूड पार्क थे, आज देश में 19 मेगा फूड पार्क काम कर रहे हैं। अब इनकी संख्या 40 से अधिक तक पहुंचने का लक्ष्य है। बीते 7 सालों में फिशिंग क्लस्टर्स, फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर्स की संख्या 40 से बढ़कर 100 से अधिक तक पहुंच चुकी है। इसमें 2 गुना से ज्यादा की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में भी पहली बार व्यापक प्रयास हो रहा है। अभी तमिलनाडु और यूपी में 2 डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मैन्युफैक्चरिंग में आज हम तेजी से अग्रणी देशों में शामिल हो रहे हैं। एक समय हमारे यहां 5 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर थे, आज 15 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हम तैयार कर चुके हैं और इसे भी 2 गुना तक वृद्धि का टारगेट है। बीते सालों में 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू हो चुके हैं और अब ऐसे कॉरिडोर्स की संख्या को 1 दर्जन तक बढ़ाया जा रहा है। साथियों, आज सरकार जिस अप्रोच के साथ काम कर रही है उसका एक उदाहरण प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी है। अब देश की इंडस्ट्री को ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास है जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हो, यानी देश और दुनिया के निवेशकों को सिर्फ अपना सिस्टम लगाना है और काम शुरू करना है। जैसे ग्रेटर नोएडा के दादरी में ऐसी ही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप तैयार हो रही है। इसको पूर्वी और पश्चिमी भारत के पोर्ट्स से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। इसी के बगल में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे टर्मिनस होगा, जिसको इंटर और इंट्रास्टेट बस टर्मिनस मिलेगा, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और दूसरी सुविधाओं से सपोर्ट किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही सुविधाओं के निर्माण से भारत दुनिया की बिजनेस कैपिटल बनने का सपना साकार कर सकता है। साथियों, ये जितने भी लक्ष्य मैंने गिनाए हैं ये लक्ष्य सामान्य नहीं है और इसलिए इनको हासिल करने के लिए प्रयास भी अभूतपूर्व होंगे और इसके तरीके भी अभूतपूर्व होंगे और इन्हें सबसे ज्यादा ताकत पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से ही मिलेगी। जिस प्रकार जेम ट्रिनिटी
यानी जनधन आधार मोबाइल की शक्ति से देश में सरकारी सुविधाओं को तेजी से सही लाभार्थी तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वैसा ही काम करने वाला है। ये पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से लेकर एजुकेशन तक एक होलिस्टिक विजन लेकर आ रहा है। एक बार फिर मैं सभी राज्य सरकारों को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, आग्रह भी करता हूं। ये समय जुड़ जाने का है। आजादी के इस 75वें वर्ष में देश के लिए कुछ कर दिखाने का है। इस कार्यक्रम से जुड़े हर व्यक्ति से मेरा यही आग्रह है, यही मेरी उम्मीद है। आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान प्राइवेट पार्टी भी उसको बहुत बारीकी से देखेगी, वे भी इससे जुड़ करके अपनी भावी रणनीति तय कर सकती है, विकास के नए आयाम को छू सकती है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देशवासियों को आज नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति के इस उपासना के समय शक्ति की भगीरथ कार्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाओं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। कोटि कोटि जन की आशा और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय